योगी के अधिकारी आपदा में भी अफसर तलाशने में बाज नहीं आ रहे हैं। गरीबों के हक पर डांका डालकर अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं। ताज़ा मामला हरियाणा ब्लॉक के बिजगमा गोदाम का है, जहां गांव में राशन की दुकानों पर भेजे जाने वाला राशन की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि खुद गोदाम प्रभारी विजय सिंह ने माल की वापसी के लिए सोमवार को उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही। गोदाम प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि पूरा ट्रक गेहूँ गीला और सड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने जब पिहानी गोदाम प्रभारी से बात की तो उन्होंने गेहूं को छांट कर उतारने की बात कही, लेकिन विजय सिंह ने बताया कि पूरा ट्रक गेहूं कैसे छांटेंगे, जिसे उतारने से मना कर दिया। चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब ट्रक ड्राइवर ने गोदाम प्रभारी को बताया कि पूरा गेहूं गीला और सड़ा हुआ है, बोरियों में भरा गया है लेक और बोरियां भी हाथ से सिली हुई हैं। आखिर में प्रश्न यह उठता है कि कब तक जिम्मेदार लोग गरीबों का शोषण करते रहेंगे और अपनी इन घटिया करतूतों से सूबे के साफ सुथरे छवि के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त राज्य में सपनों को ठेंगा दिखाते रहेंगे। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है, मैं SFC गोदाम हरियाणा ब्लॉक से तैनात हूँ और मेरे द्वारा कूड़ेदारों को खाद्यान्न दिया जाता है, जो कि गांव में जाकर पब्लिक को बांटा जाता है। अभी अभी मेरे यहाँ एक गाड़ी पिहानी से आई है, जो कि पूरी गाड़ी लगभग खराब है, भीगा हुआ गेहूँ है और सड़ा हुआ है, इसलिए इसको उतारने में हमें असमर्थ है। ऐसा मोदी जी बने की गाड़ी वापस कराएं, साफ सुथरा माल दें जिससे मैं कूड़ेदारों को दे सकूँ और सही सलामत वितरण हो सके। तो क्या बताया था उन्होंने? गोदाम प्रभारी पिहानी से उनसे बात नहीं हुई, वो बात है उनके दूसरे लोग हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बोरी छांट के उतार लो, जो अच्छी बोरी हो वो ले लो और बाकी हमें वापस कर दो। तो हम पूरी गाड़ी छांट नहीं पाएंगे, जबकि ड्राइवर द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें और भी सूखा वो मतलब भीगा हुआ गेहूँ जो है सूखे के बोरियों में भरा गया है, वो हाथ पिछली हुई भी है और सड़ा हुआ गेहूँ भी है, सही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अभी उच्च से हमारी बात नहीं हो पाई है, अब ये हुआ है ये गाड़ी उतरेगी नहीं, अब कल संडे पड़ रहा है, मंडे को हम अधिकारियों से बात करेंगे।